जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखना दोस्तों, कि जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो मिला नहीं वह एक ख्वाब है और जो मिल गया वह लाजवाब है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि के लिए बेहद खास है, अति विशेष है। कर्क राशि का जून 2022 का मासिक राशि फल मंथली प्रिडिक्शन जून 2022 आपके लिए कैसे रहेगा, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा जून के महीने में, सभी विषय पर बारीकी से आज हम चर्चा करेंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सब कैसा रहेगा जून के महीने में, क्या कहते हैं ग्रह चाल, क्योंकि सारे ग्रह राशि परिवर्तन करते रहते हैं अपनी गति के अनुसार और हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता रहता है। जून के महीने में आपकी राशि से ग्रहों की पोजीशन स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। जून के महीने में तीन ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। 16 जून को सूर्य जाएंगे मिथुन राशि में, 18 जून को शुक्र जाएंगे वृषभ राशि में और 27 जून को मंगल जाएंगे मेष राशि में। यह जो कार्यक्रम है दोस्तों, आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए करते हैं शुरुआत की ये ग्रहों का गोचर क्या बड़ा बदलाव आपके जीवन में लेकर आने वाला है। आपके फोर्थ हाउस में है केतु, आपके अष्टम भाव में है शनि, आपके नवम भाव में है गुरु के साथ में मंगल, आपके दसम भाव में है शुक्र के साथ में राहु और आपके 11वें घर में जाकर बैठे हैं सूर्य के साथ में बुध। सबसे पहले आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा दोस्तों। लगन पर जून के महीने में किसी भी पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा देखा जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा और गुरु की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, आपकी राशि पर पड़ रही है। इसका मतलब कि जो डाइजेशन लीवर को लेकर या जो थायराइड की वजह से परेशान थे या स्टमक पेट से संबंधित समस्या आपको चल रही थी तो जून का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी जून के महीने में। पंचम भाव होता है पढ़ाई का, पंचम के मालिक बनते हैं मंगल और मंगल देव गुरु के साथ में है और 27 तारीख को अपने घर में जाएंगे। 27 तारीख के बाद आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी देखी जाएगी। अगर आपका कोई एग्जाम है और काफी टाइम से आप वेट कर रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे कि कब एग्जाम आएगा और कब मैं सक्सेस कर पाऊंगा अपने पढ़ाई में, 27 जून के बाद काफी अच्छा समय है आपके लिए, लेकिन उससे पहले भी बहुत अच्छा है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए जून का महीना। वही आपका प्रेम प्यार, आपका लव रिलेशन दोस्तों, पंचम भाव ही होता है प्रेम प्यार का और पंचम के मालिक मंगल गुरु के साथ में बैठे हैं। एक बात विशेष मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जो मन है ना वो एक जगह पर एकाग्र नहीं होता, छोटी छोटी चीजों पर सीरियस जल्दी से हो जाते हैं। कर्क राशि एक जले तत्व राशि है, एक वाटर साइन है और जिसकी वजह से मन एकाग्र नहीं होता, तो दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से आपके लव रिलेशन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन पंचम के मालिक मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है, सामने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपको समझेंगे, आपका लव रिलेशन बहुत अच्छा देखा जाएगा जून के महीने में। लेकिन आपके नेचर की वजह से बिना वजह ज्यादा सीरियस होना, छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाना, ये आपके लव रिलेशन में परेशानी डालेगा। लेकिन मंगल की पोजीशन अच्छी है, गुरु के साथ में बैठे हैं तो सामने वाले व्यक्ति आपको समझेगा, मिलने के योग अच्छे हैं, दोनों की बॉन्डिंग्स अच्छी देखी जाएगी। उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन, आपकी मैरिड लाइफ कैसी है। सप्तम भाव होता है मैरिड लाइफ का और सप्तम के मालिक शनिदेव अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं लेकिन अपने घर में है। अष्टम भाव में शनिदेव अपने घर में जाकर बैठे हुए हैं तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है, लेकिन जो आपके लाइफ पार्टनर है उनके स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खासकर उनके खाने पीने पे, लीवर डाइजेशन को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हैं, अगर आपके लाइफ पार्टनर प्रॉपर्टी में फंसे हुए थे, वाद विवाद में थे या अपने करियर को लेकर परेशान थे या अपने फैमिली को लेकर परेशान थे तो ये जून का महीना आपके लिए अच्छा है। एक लंबे ट्रैवल पर वो जा सकते हैं, काफी टाइम से जो डिस्प्यूट चल रहे थे प्रॉपर्टी में वो यहां से अभी आप बाहर निकलेंगे आपके लाइफ पार्टनर, और जो उनको एंजाइटी बनी हुई थी, जो उनको टेंशन बहुत समय से चल रही थी तो वहां से भी वो बाहर निकलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका भाग्य, आपका करियर, आपका बिजनेस, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा जून के महीने में।
दोस्तों भाग्य के मालिक बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति और करियर के मालिक बनते हैं मंगलदेव। भाग्य के मालिक बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं अपने घर में, और करियर के जो मालिक हैं मंगल वो भी अपने घर में आ जाएंगे 27 तारीख को। एक बात विशेष आपसे कहना चाहता हूं मैं कि अगर आप कोई भी बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जून का महीना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि भाग्य के मालिक अपने घर में बैठे हुए हैं। अगर आपका प्रश्न है कि मेरा भाग्य कैसा रहेगा, तो भाग्य आपका अच्छा रहेगा। जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो अनएम्प्लॉयड है नौकरी मिलने की संभावनाएं काफी अच्छी हैं, किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं, किसी लंबे लॉन्ग ट्रेवल पर आप जा सकते हैं। जब भाग्य स्थान में देवगुरु हैं और देवगुरु धर्म के कारक माने जाते हैं, तो आध्यात्मिकता अच्छी देखी जाएगी, स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छा देखा जाएगा, किसी धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं, कोई सामाजिक कार्य आप कर सकते हैं, वहां पर आपका नेम फेम बहुत अच्छा होगा। और जब गुरु भाग्य स्थान में बैठे होते हैं तो अचीवमेंट मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और हमारा नेम और फेम बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों देव गुरु की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस, आपके पंचम भाव, आपके थर्ड हाउस में है। अगर आप ऑनलाइन से रिलेटेड कार्य करते हैं वहां पर फायदा होगा, मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड, स्पिरिचुअल धर्म का या एस्ट्रोलॉजी का आप काम करते हैं, या फिर पढ़ाई, टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी से रिलेटेड कार्य करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव में, पंचम भाव में जब गुरु देखते हैं तो फैमिली प्लानिंग आपके लिए अच्छी रहती है, और जब गुरु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है तो इंसान के मन में आइडियाज बहुत आते हैं अपने पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर कि मुझे क्या करना चाहिए। एक अच्छा एक्सपीरियंस अभी यहां पर आप गेन कर सकते हैं, और वो कहते हैं ना कि एक स्मार्ट वर्क आ जाता है, एक टैलेंटेड, एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है जब गुरु नाइन्थ हाउस में गोचर करते हैं। तो आपका मैच्योरिटी लेवल, किसी भी काम को सीखने की कला बहुत अच्छी देखी जाएगी आपके अंदर, और 27 जून के बाद आपका करियर बहुत अच्छा देखा जाएगा। जब मंगल आपके दशम भाव में आएंगे, वो प्रभुत्व, वो अपने काम को करने की कला, अपने काम को किस तरीके से करना है, अपना नेम फेम कैसे करना है, अपने आपको कैसे आगे लेकर जाना है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी देखी जाएगी, टीम को लीड करना, मैनेज करना, ये बहुत अच्छा देखा जाएगा 27 जून के बाद। वही दोस्तों आपका फाइनेंस और आपका इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। दोस्तों सेकंड हाउस और इलेवेंथ हाउस धन और लाभ के माने जाते हैं। सूर्यदेव आपके 12वें घर में चले जाएंगे। 16 जून से पहले आपकी सेविंग्स अच्छी होगी, आपका फाइनेंस अच्छा होगा, लेकिन 16 जून के बाद कुछ खर्चे फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर कुछ ज्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन 18 जून को शुक्र 11th हाउस में आएंगे तो आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर आपको फायदा भी होगा। 18 जून से शुक्र अपने घर में होंगे, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पूरा महीना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु की पोजीशन काफी अच्छी है। क्या उपाय करने चाहिए कर्क राशि वाले व्यक्ति को? दोस्तों सबसे पहले तो चंद्रमा का बीज मंत्र अवश्य करें। ओम श्राम श्रीम स्रोम से चंद्रमसे नमः 108 बार सूर्यास्त होने के बाद। और दूसरा, महादेव की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कर्क राशि के मालिक है चंद्रमा, तो आपके आराध्य हैं महादेव, उनकी पूजा आप जरूर कीजिए। सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।